नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा अपने YouTube चैनल RA24 न्यूज से। आज हम उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के एकौनी गांव में हम हैं और यहां पर किस प्रकार से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है वो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस ठंडी के मौसम में, ठंड के मौसम में किसान कितने जी तोड़ कर मेहनत करके अपने फसलों को उगाते हैं, जो कि सामने धान की जो फसल है। और हम अपने कैमरा पर्सन से भी कहना चाहेंगे कि दिखाएं, और उससे पहले हम ये आपको बता दें कि ये ECR रेलवे, बगल में रेलवे लाइन भी है, ये सकलडीहा क्षेत्र पड़ता है चंदौली जिला का। हमारे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि है, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसानों की आय दुगुना करने के लिए लाख दावे करती है। अभी ये किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के, इनसे हम पूछेंगे। और सामने हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देखिए अभी ये जो धान का फसल है किस प्रकार से ये लोग काटेंगे, और कोसों दूर तक कोई गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे उस पार हो। उस पार भी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस बगल की भी खेत को जरा दिखाएं कि कैसे फसलें अभी कटी नहीं हुई हैं, अनाज के दाने इनके घरों तक नहीं गए हुए हैं, और फसल जो है, दाने जो है, इस प्रकार से धीरे धीरे ये सड़ने के कगार पर हो चुके हैं। कैसे इनको मुआवजा मिलेगा, क्या होगा, और सरकार से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि इनकी अभी देखरेख नहीं होगी तो कब होगी। और ये अगर मशीन द्वारा कटाई करके आग लगाते हैं तो इनके ऊपर FIR दर्ज होता है। आखिर में इस सिस्टम को कैसे और किसानों की देखरेख कैसे हो, ये बताएं। बाबा ये बताइए, पहले अपना नाम मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? शशिकांत उपाध्याय। शशिकांत उपाध्याय, अच्छा ये बताइए, आप लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, कौन सा मतलब जनपद है और गांव, ये पहले आप बता दीजिए। जनपद है चंदौली जी, ये गांव है कौनी और वो तम्बागढ़ कपड़ाने वाले हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा आप लोग, ठंड काफी ठंड भी है इस समय, हाँ, हाँ, और आप लोग इतना मेहनत किए हैं, हाँ, और ये फसल उगाए हुए, फसल ये गिर गया, ये कैसे कटाई होता है, किस प्रकार से करते हैं आप लोग? पहले हार्वेस्टर से होत रहा, बनिहारन से होत रहा। जी जी, बनिहारन के जमाना आई है, नहीं बनिहार करते नहीं खे जी, हार्वेस्टर चली नहीं खे पावत है, खाँच पानी ये मौसम में, हाँ, तो फसल पड़ी है, सर गड़ रही है, अब हम लोग करें तो क्या करें। सरकार ने ऐसा लगा भी दिया है सिस्टम कि अगर आप इसमें मशीन से कटवा करके पुआल अगर जलाएंगे तो आप लोगों के ऊपर FIR भी होगा। फाइन लग रहा है। बताइए अगर इन लोगों की यह तकलीफ है कि अगर पुआल काट करके, धान को काट करके अगर मशीन द्वारा कटाई हो जाए तो इन लोगों को यह डर है कि हम लोगों के ऊपर फाइन लगेगा, FIR होगा, इस मजबूरी में इन लोगों ने, हाँ, हम लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें, लाचार है, पड़े हैं, इसीलिए फसल को छोड़ दी, क्या डर करें, के मारे हम डर के मारे क्या करें, कैसे जग जिए हम, क्या करें। सुनिए, अगर केंद्र में जो भी कुर्सी पर बैठे हुए, राज्य में हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहेंगे, देखिए तस्वीर है केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का कर्म क्षेत्र है। आज कम से कम सैकड़ों बीघे एक खेत में इधर व उधर धान की खेती पड़ी हुई है, किसान मर रहे हैं, और आप इनके ऊपर पुआल पराली जलाने के लिए FIR दर्ज कराएंगे, आखिर में फसल किस प्रकार से कटेगी, इनके बारे में सोचिए। अगर ये मशीन से नहीं कटवाएंगे, मजदूर भी नहीं मिलेंगे, इतनी ठंड है, तो भाई मजबूरी है, क्या किया जाए, मजबूरी है, बताइए, लोग इतने तकलीफ में हैं, कम से कम इनके लिए कुछ सिस्टम बनाए, आखिर में कैसे 2022 तक किसानों की आय दुगुना होगी। शर्म करो सरकार, अब हमारे देश की ऋण जो किसान भाई हैं,
उनकी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, ये हमारे मेहनत और मजदूरी है। अगर आप उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे, इस प्रकार से नियम कानून ला देंगे, तो कैसे हमारे देश के अन्नदाता खुश रहेंगे? तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को आप समझिए, नहीं तो जिस दिन ये भूखों मरना चालू करेंगे तो शायद आप उन कुर्सी पर न बैठे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि इन किसानों की पीड़ा हमारी उन बाहरी सरकार तक भी पहुंचे, ताकि ये जो अनाज सड़ रहा है इनके पेट में, इनके भूख के लिए कैसे निवाला बनेगा, जो हमारे किसान रीढ़ की हड्डी है। आपका राजन ओझा, रात 24 न्यूज़।